ऐतिहासिक रिज मैदान टैंक के साथ जमीन लगातार धस रही है, इससे पानी के टैंक को भी खतरा हो गया। ये जगह पद्मदेव कॉम्प्लेक्स के साथ ही है। यहाँ पर 15 के करीब दुकानें बनी हुई है जहाँ काफी दरारें आ गई हैं, जिसके गिरने का खतरा बना हुआ है। इसके साथ ही रिज मैदान में पानी का टैंक भी है जहाँ पानी का रिसाव भी हो रहा है। वहीं वीरवार को महापौर सुरेंद्र चौहान ने एपी महबूब शेख पार्षद आलोक पठानक के साथ निरीक्षण किया और इस क्षेत्र को अनसेफ घोषित कर इन दुकानों को जल्द खाली करने के निर्देश दिए। अखबारों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से इसमें दिखाया गया कि यहाँ रिज के साथ का जो घोड़ों के नीचे की जो जगह है वो बैठी है, तो उसी संदर्भ में मैं आज यहाँ स्पॉट पे आया था, देखने आया था कि क्या इसमें क्या हो सकता है। और लेकिन मैंने देखा कि इसको करना चाहिए हमको जल्द से जल्द इसको। वैसे ऐसा कि अंदर से टैंक भी देखूंगा मैं, लेकिन क्रैक्स बता रहे हैं कि मैंने इनसे लोगों से भी बात की है कि इसमें पहले से थोड़ा सा क्रैक आए भी है और उसको जल्द से जल्द इसको हमको ठीक करने की ज़रूरत है। और ये जो एपी ब्रांच ने भी अनसेफ किया इसको, इस जगह का भी, तो लेकिन साथ के साथ ही हमको इसमें इसको ठीक भी करना पड़ेगा ताकि हम अंदर का या साथ का लगता जो टैंक है वो भी ठीक रहे। मैं टैंक में अंदर जाकर भी इसको इंस्पेक्ट करना चाह रहा हूँ कि कहाँ पर कहीं अंदर से कोई टैंक में कोई ऐसी प्रॉब्लम तो नहीं आई, क्योंकि जगह जो थी वो थोड़ा सा सिंकिंग जोन था परे तक का, जो हमने परे रिज को चौड़ा भी किया है करवा रहे हैं, तो जोलॉजिकल रिपोर्ट भी हमारे पास आ जाएगी और इसके साथ साथ हम इसको जल्द से जल्द इसको हमने ठीक भी करने का ताकि हम इसको सीमेंटेड और इसमें ताकि थोड़ा नीचे गहरा जा कर के इस जगह को स्ट्रॉन्गली ठीक किया जा सके और हम टैंक भी देखने जाएंगे। मेरे साथ एपी साहब भी आए हैं, उनका इस संदर्भ में वो अपना नोटिस देंगे सबको, जो जिस तरह का जो नोटिस आता है सबका जो इस जगह को खाली करने का, ताकि ये जब जगह कोई अनसेफ हो जाती है जगह तो उसको दोबारा से उसका निर्माण करने के लिए इसमें जल्द से जल्द इसमें हम कोशिश करें। और रिज का, खासकर रिज का एक टैग से जुड़ा हुआ मामला भी, इसको ज़्यादा हमको गंभीरता से लेना पड़ेगा। और इस जहाँ पर हम खड़े हैं इस जगह को पहले ठीक करने की ज़रूरत है ताकि हम इसको अच्छे से बना सकें, प्रॉपरली इसकी खुदाई करके इसको 2-2 फुट 3-3 फुट नीचे जा करके, ताकि इसका स्टेटा जो है मजबूत रहे, क्योंकि बिल्कुल रिज के साथ जुड़ा हुआ तो उसको तो, क्योंकि ये भी इसको संभाल रहा है काफ़ी हद तक, एकदम से इसको निकालना भी ठीक नहीं होता, लेकिन इसको पहले हम ग्राउंड लेवल पे इसको ठीक करेंगे परे तक, उसके बाद अगली कार्रवाई हम रिज के अंदर में टैंक में जाकर